और व्हाट इज पॉवर्टी और एक्सप्लेन पॉवर्टी इन इंडियन इकोनॉमी। आई रोट सम सिंपल डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट टू रीड एंड आफ्टर रीडिंग ऑल फोर फाइव डेफिनेशंस यू कैन सेलेक्ट वट एवर यू थिंक इजी। तो नाउ आई स्टार्ट टू रीड फर्स्ट। When a person is unable to meet his minimum consumption requirements such as food, clothing, shelter, health and education, etc., then that person is called poor and this is his poverty. यानी जो व्यक्ति, जो इंसान अपनी रोज की मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा ना कर पाए, जैसे खाने से संबंधित, कपड़े से संबंधित, शेल्टर यानी हाउसिंग यानी घर, रोटी कपड़ा और मकान, शुरू के तीन तो ये हो गए, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन, इन जरूरतों को अगर कोई इंसान पूरा ना कर पाए तो हम उस इंसान को गरीब कहेंगे और उसकी गरीबी कहेंगे। सेकंड डेफिनेशन, पॉवर्टी मींस व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक एसेंशियल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ही इज सेड टू बी ए पुअर पर्सन। थर्ड डेफिनेशन आई रोट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम कंजम्पशन requirement of a person is called poverty. Minimum consumption requirements include food, clothing, shelter, health and education, etc. When these basic essential needs of a person are not fulfilled, then that person is called poor. Fourth definition, poverty is a situation where people are unable to fulfill their basic necessities of life. Basic necessities include food, clothing, housing, health and education facilities. If these basic needs are not fulfilled by the person, is said to be poor. Next definition, last definition, fifth definition. In simple way, we can say that poverty is hunger, lack of shelter, poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not having access to school and not knowing how to read and write. Poverty is not having a job. Poverty is fear for the future. Poverty is losing a child to illness brought about by unclear water. Poverty is powerlessness, lack of representation, freedom and security. यानी पॉवर्टी भूख है, यानी गरीबी जो है वो भूख है, घर की कमी है, बीमार होने पर डॉक्टर को ना दिखाना, ये गरीबी है, स्कूल ना जाना और कैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं ये ना जानना, ये पॉवर्टी है। पॉवर्टी का मतलब जॉब ना होना, पॉवर्टी का मतलब हमेशा फ्यूचर का डर लगा रहना कि फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों की कैसे शादी होगी, कैसे हमारा घर बनेगा, कैसे जिंदगी कटेगी, इस तरह की फ्यूचर की जो बातें हैं, इनसे जो डर लगा रहता है उसे पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी किसी बच्चे को खो देना बीमारी में, या गंदा पानी पीने से अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या मर जाता है तो उसको बचा ना पाना भी गरीबी है। पॉवर्टी इज पावरलेसनेस, पावर ना होना, और सिक्योरिटी ना होना, आजादी ना होना, ये भी पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी की डेफिनेशंस मैंने पांच तरह से एक्सप्लेन की है, जो आपको ठीक लगे वो आप याद कर लेना। यू लर्न द डेफिनेशन विच यू थिंक इजी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन। Poverty line refers to the line that represents the average monthly expenditure of a person and in which the per capita income of an economy is compared to other economies. Poverty line एक ऐसी line बना दी है
जो अमीर और गरीब लोगों को बांटती है। जो इस लाइन के अंडर में आते हैं वो गरीब माने जाते हैं, जो इस लाइन से ऊपर रहते हैं वो अमीर माने जाते हैं। और इसमें मंथली एक्सपेंडिचर किसी इंसान का बेसिस बनाया हुआ है और उसकी पर कैपिटा इनकम को बेसिस बनाया हुआ है और कंपेयर किया गया है दूसरे लोगों से। अगर एक लिमिट फिक्स कर दी गई है तो वो लिमिट क्या है और कंपैरिजन वगैरह क्या है, ये मैं आपको नीचे दो डेफिनेशंस रिलेटिव डेफिनेशन और ऑब्सोल्यूट डेफिनेशन में बताऊंगा। रिलेटिव डेफिनेशन में ना कंपैरिजन होता है एक इंसान का दूसरे इंसान से, तब पता चलता है कि दोनों में से कौन गरीब है। ये होता है रिलेटिव डेफिनेशन, यानी एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ रिलेट करके कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन में जो आदमी गरीब दिखाई पड़ता है उसे गरीब माना जाता है। और एब्सोल्यूट डेफिनेशन में एक लिमिट फिक्स कर दी है कि इतना पैसा कम से कम एक इंसान महीने में खर्च करता है, अगर उससे भी कम पैसा किसी इंसान के पास है तो समझ लो कि वो गरीब है। ये ऑब्सोल्यूट डेफिनेशन है। ऑब्सोल्यूट डेफिनेशन में एक मिनिमम एक्सपेंसेस की या मिनिमम इनकम की एक लिमिट फिक्स कर दी है। तो पहले मैं आपको रिलेटिव डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन पर कैपिटा इनकम एक मिनट जरा होल्ड करना है एक मिनट के लिए। रिलेटिव डेफिनेशन। हेलो सर, स्टार्ट कर दो। रिलेटिव डेफिनेशन व्हेन पर कैपिटा इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी लैग्स बिहाइंड इन कंपेयर्ड टू अदर इकोनॉमीज। जब किसी इकोनॉमी का या किसी इकोनॉमी के रेजिडेंट्स का यानी रहने वालों का कंपेरेटिवली लिविंग स्टैंडर्ड और पर कैपिटा इनकम कम रह जाता है तो उसे पुअर इकोनॉमी कहते हैं या पुअर पर्सन्स कहते हैं उन लोगों को। यानी जब किसी एक देश का के लोगों का पर कैपिटा इनकम और उनका लिविंग स्टैंडर्ड दूसरे देशों की कंपैरिजन में पीछे रह जाता है, कम रह जाता है या पिछड़ा हुआ होता है तो उसे हम रिलेटिव मेजर के हिसाब से पुअर इकोनॉमी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन। फॉर एग्जाम्पल
पर कैपिटा एनुअल इनकम लेवल ऑफ इंडिया $742 एंड इन US $40,000 इज मेजर्ड, दस इंडिया फार बिहाइंड कंपेयर टू अमेरिका। जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम का लेवल है ना वो $742 है और अमेरिका का $40,000 है, तो यहाँ पर तो हजार भी नहीं है और उनका 40,000 है, तो कितना पीछे है इंडिया। तो यहाँ कंपैरिजन हो गई, तो कंपैरिजन का मतलब रिलेटिव डेफिनेशन के हिसाब से पॉवर्टी की रिलेटिव डेफिनेशन है। अब आगे ऑब्सोलेट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू ऑब्सोलेट मेजर पर कैपिटा मंथली एक्सपेंसेस फिक्स्ड, इसमें पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर फिक्स किया गया है। इफ ए पर्सन फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी देन ही इज कंसीडर्ड टू बी पुअर, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस ऑफ द ईयर 1999 टू 2000 इन द इंडियन इकोनॉमी मंथली रुपीज 328 वर स्पेंड इन रूरल एरियाज एंड इन द अर्बन एरियाज स्पेंडिंग लेस देन 459 पर मंथ वाज रिकॉर्डेड। यानी सन 1999 और 2000 के दौरान अगर गांव का एक महीने का खर्च गांव के किसी एक इंसान का एक परिवार का ₹328 खर्च है या उससे कम है तो वो पुअर माना जाएगा, और शहर में ₹449 पर मंथ है या उससे कम है तो उसे गरीब माना जाएगा। इट फॉल्स अंडर द पॉवर्टी लाइन, तो ऐसे लोगों को पॉवर्टी लाइन के अंडर माना जाएगा और 26 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। आगे है, व्हाट इज रिलेटिव मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन, व्हेन ए पर्सन और ए नेशन लैग्स बिहाइंड अदर्स, जब कोई पर्सन या कोई देश किसी दूसरे देश से पीछे रह जाता है या एक इंसान दूसरे इंसान से पीछे रह जाता है, जैसे भारत का इंसान अमेरिका के इंसान से लिविंग स्टैंडर्ड में काफी पीछे है, अमेरिका के लोग कार में चलते हैं और भारत के लोगों के पास साइकिल है, वो साइकिल से चलते हैं, तो कितना पीछे है वो। तो जब एक देश दूसरे देश की तुलना में पीछे रह जाता है तो उसे हम रिलेटिव मेजर या रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। लाइक इंडिया इज पुअरर देन अमेरिका, जैसे इंडिया अमेरिका की तुलना में बहुत ही ज्यादा पुअर है। इन दिस द कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑफ ए पर्सन इज मेड ऑन द बेस मेड ऑन द बेसिस, इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बेस बनाया जाता है किसी इंसान के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बेस बना करके पता लगाया जाता है। इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड 816 ऑन कंजम्पशन इन रूरल एरिया एंड 1000 इन अर्बन एरिया पर मंथ आर ट्रीटेड एज दोज बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू 2012। सन 2012 के हिसाब से अगर गांव में कोई परिवार ₹816 महीने के खर्च करता है या उससे कम खर्च करता है तो वो गरीब माना जाएगा, और शहर में अगर ₹1,000 खर्च करता है एक महीने के, सन 2012 की कीमतों के हिसाब से है, ये आज के हिसाब से नहीं है। एंड 26 करोड़ पीपल फॉल्स अंडर पॉवर्टी लाइन, 26 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर रहते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आप दूसरे पेज पर आइए, पेज नंबर 20 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। क्वेश्चन नंबर इससे पिछला पेज है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। व्हाट इज ऑब्सोलेट मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन, अब हम ये पढ़ रहे हैं। इन ऑब्सोलेट मेजर द पॉवर्टी लाइन मींस व्हेन पर कैपिटा इनकम ऑफ ए नेशन इज लेस देन अदर नेशन इज कॉल्ड ऑब्सोलेट मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन। According to UNO, India has an annual per capita income is $330. That is why India falls under the category of poverty line. And in the year 2012, about 22% of Indian population is living below the poverty line. Absolute measure के हिसाब से per capita income अगर
दूसरे देश के लोगों से इंडिया की कम है तो वो पॉवर्टी लाइन का एब्सोल्यूट मेजर माना जाएगा और यूएनओ के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया हैज एन एनुअल पर कैपिटा इनकम, इंडिया की जो एक साल की पर कैपिटा इनकम है वो $330 मानी गई, नापी गई। तो इसी वजह से इंडिया को पॉवर्टी लाइन के अंडर में माना गया और गरीब देश माना गया, क्योंकि यूएनओ ने अपनी रिपोर्ट में ये दर्ज किया था कि $330 ही है केवल इंडिया का, एक साल की इतनी कम इनकम है ये एक देश के हिसाब से, तो इसलिए इसको पुअर कंट्री डिक्लेयर किया यूएनओ ने। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मिनिमम कैलोरी प्रिस्क्राइब फॉर पॉवर्टी इन अर्बन एंड रूरल सेक्टर। द प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ 24 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। गांव में एक इंसान को पर डे 2400 कैलोरी चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो मेहनत करता है, और शहर में 2100 कैलोरी हर इंसान को एक दिन में चाहिए ही चाहिए। अगर इन लिमिट से कम मिलती है, इस इतने कैलोरी से अगर गांव में 2400 से कम मिलती है किसी को या शहर में 2100 कैलोरी से पर डे कम मिलती है तो उन्हें गरीब माना जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार ना आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, भी एक एक नंबर के क्वेश्चनों में आ जाता है। क्लासीफाई द कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी विच आर एज फॉलोज। क्रॉनिक पुअर, इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज रिमेन पुअर एंड दोज आर यूजुअली पुअर। जो हमेशा पुअर रहते हैं ना उन्हें क्रॉनिक पुअर कहा जाता है। ट्रांजिएंट पुअर जो होते हैं, ट्रांजिएंट पुअर वो होते हैं जो कभी गरीब रहते हैं लेकिन बाद में वो अपनी स्थिति ठीक कर लेते हैं। तो ट्रांजिएंट पुअर दो तरह के होते हैं, चर्निंग पुअर और ओकेशनली पुअर। चर्निंग पुअर वो होते हैं जो पॉवर्टी लाइन में कभी नीचे हो जाते हैं, कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाते हैं, जैसे स्मॉल फार्मर्स या सीजनल वर्कर्स। ओकेशनली पुअर का मतलब कभी कभी गरीब रहने वाले लोग। दे आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पुअर फॉर सम टाइम, जो मतलब ज्यादा समय के लिए तो अमीर रहते हैं लेकिन कम समय के लिए गरीब हो जाते हैं, जैसे गैम्बलर। नेवर पुअर, जो कभी गरीब नहीं हुए, जैसे कि तुम, तुम्हारी फैमिली। नॉन पुअर इंक्लूड्स दोज पीपल हु आर नेवर पुअर, जो कभी पुअर ही नहीं रहे उन्हें नेवर पुअर कहा जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशंस हैं ये हम आपको अब बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पहले हम बताएंगे, इसमें लिखेंगे, लिखा हुआ है, उसके बाद हम इनको समझेंगे। पहले देखेंगे पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन ए पर्सन इज नॉट एबल टू मीट हिज मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड एफिशिएंसी एक्सेट्रा, देन ही सेड टू बी ए पुअर पर्सन। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन वॉन्ट्स टू डू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क एट प्रिवेलिंग वेजेस रेट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें इंसान काम तो करना चाहता है लेकिन उसे प्रिवेलिंग वेजेस रेट पर, यानी जो चालू मजदूरी दर है ना उस पर उसे काम नहीं मिल पाता, उससे भी कम मिलता है। जैसे मान लो किसी मजदूर की दिहाड़ी एक दिन की 500 रुपये है तो उसे 500 की जगह 300 या 350 ही रुपये मिलते हैं। तो ये हो गया कि प्रिवेलिंग प्राइजेस जो है वेजेस रेट के, उन प्रिवेलिंग वेजेस रेट है उससे भी कम में उसे काम मिल रहा है तो वो काम करना ही नहीं चाहेगा फिर, तो वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। इट इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी बिकॉज ऑफ, जब देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है,
क्योंकि जो पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा वो पुअर भी होगा. व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट, जब किसी इंसान के पास काम नहीं होगा तो उसकी फाइनेंशियल पोजिशन ऑल्सो बिकम वेरी वीक. तो उसकी फाइनेंशियल पोजिशन बहुत खराब हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो जाएगी. देयरफॉर पॉवर्टी इज द रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए गरीबी जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट का ही रिजल्ट है. अगर कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है तो वो गरीब भी हो जाएगा अपने आप ही. His financial condition also become very weak. आगे लिख रहा है and due to poverty, person remains unemployed. अगर आदमी गरीब है तो वो unemployed भी हो जाएगा, क्योंकि गरीब है तो उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो कोई काम शुरू नहीं कर पाएगा, कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर पाएगा, कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाएगा, बिजनेस शुरू नहीं कर पाएगा तो फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा. इसलिए अनएम्प्लॉयड होने की वजह से इंसान गरीब होता है और गरीब होने की वजह से इंसान अनएम्प्लॉयड होता है. तो बोथ आर रिलेटेड क्लोजली एंड दीज टू वर्ड्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज, 20 पेज नंबर 21. Take the page 21 and question number 8. What are the cause of poverty in India? India गरीब क्यों है? India में गरीबी के क्या कारण हैं? क्या reasons हैं गरीबी के India में? तो अब हम ये पढ़ेंगे. Following are the reasons of poverty in Indian economy. Number 1. मैंने 7 points लिखे हैं. आपको इनमें से 7 में से 4-5 पॉइंट जो आपको ठीक लगे वो आप याद कर लेना. मैंने 7 लिख दिए हैं. तो पहला है लो नेशनल प्रोडक्शन. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया इज द लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम. हमारे देश में नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम का जो आउटपुट लेवल है ना वो लो है, कम है. और कम होने की वजह से वो जब पॉपुलेशन में डिवाइड होता है तो लोगों को बहुत कम मिल पाता है. तो वो लोगों की पर कैपिटा इनकम बनता है. एक देश की नेशनल इनकम को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आती है. तो अगर किसी की नेशनल इनकम ही कम है और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम भी कम आएगी. वन ऑफ द मेन रीजन For poverty in India is the low level of national product or national income. Because the national income is divided by the amount of population, the per capita income is obtained. Due to low national production, the level of per capita income also remain low. And due to low per capita income, the living standard of the people also remain low in India. नेशनल इनकम कम होने की वजह से पर कैपिटा इनकम कम आती है. पर कैपिटा कम होने से देश के नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड भी लो हो जाता है, क्योंकि पैसा ही कम रहेगा लोगों के पास तो स्टैंडर्ड कैसे उनका इम्प्रूव होगा, लिविंग स्टैंडर्ड. तो इस वजह से सबसे पहला रीजन है लो नेशनल प्रोडक्शन या लो नेशनल इनकम. सेकेंड पॉइंट है रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन. हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है वो एक दिन चाइना की पॉपुलेशन को भी पिछाड़ देगी, क्योंकि चाइना ने तो स्ट्रिक्टली अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट इतनी ढीली है कि ये पॉलिसीज तो बना देती है कि जनसंख्या कम करो, परिवार नियोजन योजनाएं बना देती हैं, लेकिन इनका पालन कितना हो रहा है इस पर ये ध्यान नहीं देते. अगर ये पालन पर भी स्ट्रिक्टनेस लगा देना, यानी अगर इन्होंने ये कह दिया कि 2 बच्चे करो, अगर 2 बच्चों से 3 बच्चे कर दिए ना तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, इतने इतना स्ट्रिक्ट रूल निकालेंगे तब लोग डरेंगे, तभी लोग 2 बच्चे करेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे करते जा रहे हैं लोग ज्यादा से ज्यादा, जिसकी वजह से बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, कल को कोई बीमारी आती है तो उन्हें बेड नहीं मिलते इसी वजह से, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत सारी है, इतने हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं है. जितने लोग जनसंख्या ज्यादा और बीमार ज्यादा हो जाते हैं, अगर कंट्रोल्ड जनसंख्या होती तो उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज इन सब में और
गवर्नमेंट जॉब्स में इनको अपॉर्चुनिटीज सही सही मिल जाती, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका रशिया, इनमें क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे सबको सही सही काम मिले हुए हैं और उनकी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं हमारे देश से, और डेवलप्ड भी हैं उनकी सारी टेक्नोलॉजीज रिगार्डिंग मेडिकल एरियाज। तो ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इन इंडिया द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। हमारे देश में हाई बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, तो जिसकी वजह से हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इन 1951 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 36 करोड़। जब इंडिया आजाद हुआ था ना, उसके बाद 1951 में सेंसस में चेक किया गया था, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है, 1951 में, फिर 61 में, फिर 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में, 2011 में और अब 2021 में होगी। तो 1951 में 36 करोड़ जनसंख्या थी हमारे देश की केवल, विच इंक्रीज टू मोर देन 121 करोड़ इन 2001 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी, यानी 125 करोड़ के लगभग आसपास हो गई थी 2011 में, और अब 2021 में पता है जनसंख्या कितनी निकल के आएगी, कम से कम नहीं तो 150 करोड़ के आसपास निकल के आएगी या उससे ज्यादा। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द एवरेज ऑफ फैसिलिटीज लाइक फूड क्लोथिंग हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्थ का मतलब मेडिसिन से मतलब है, मेडिकल एरिया से है, हैज गोन डाउन, दैट रिवील्स पॉवर्टी क्लियरली इन इंडियन इकोनॉमी। ये ऐसी बातें साफ दर्शाती हैं कि इंडिया कितना गरीब है। तीसरा केस है कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइस, देश में महंगाई बढ़ती जाती है लगातार, जैसे पेट्रोल के रेट देख लो आप, आज की डेट में पेट्रोल का रेट इस समय दिल्ली में 92 रुपीज के आसपास हो चुका है, बल्कि उससे भी ज्यादा होने वाला है, और कई स्टेट्स में पेट्रोल 103 रुपए तक पहुंच चुका है एक लीटर। तो ये महंगाई का एक सिंबल है, जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ओवरऑल सारी चीजें बढ़ने लग जाती हैं, सारी चीजों के प्राइस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सारी चीजें इधर उधर से ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से चीजें महंगी होने लगती हैं। देयर इज ए रीजन फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया इज दैट द प्राइजेज आर राइजिंग कॉन्स्टेंटली इन इंडिया विच हैज द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन पुअर पीपल। प्राइस बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ना गरीबों पर पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मीट देयर लाइफ रिलेटेड बेसिक नीड्स, क्योंकि महंगाई होने की वजह से वो अपनी जीवन के लिए रोजाना जरूरी जो चीजें हैं उनको भी नहीं खरीद पाते, उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, एंड दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, और इसी वजह से वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, एंड देयर अर्लियर सेविंग फिनिशेज ऑफ बाई राइज इन प्राइस, और उनकी जो पहले की थोड़ी बहुत बचत अगर जुड़ी भी हुई होती है ना, तो वो महंगाई की वजह से वो बचत भी उनकी खत्म हो जाती है, तो उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है और गरीबी उन पे और आ जाती है। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि विद इन द इंडियन इकोनॉमी is that people have lack of regular, people have lack of regular employment। India की economy के अंदर गरीबी बढ़ने का एक कारण ये भी है कि people have lack of regular employment, लोगों के पास regular employment की कमी रहती है हमेशा, उन्हें regular employment मिल नहीं पाता है, लगातार काम नहीं मिल पाता है, which keeps their income limited, जिसकी वजह से उनकी जो income होती है ना वो limited हो जाती है, unlimited नहीं हो पाती, and they get difficulty to make their living, for this reason they fall under poverty line, और बहुत ही ज्यादा difficulty आती है उन्हें अपनी living कमाने के लिए, अपने रोज की जीविका कमाने के लिए उन्हें दिक्कत आती है इस वजह से।
और वो पॉवर्टी लाइन के में शामिल हो जाते हैं, पॉवर्टी लाइन के अंडर आ जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं होती, और रेगुलर इनकम ना होने की वजह से उनकी इनकम, उनकी जो सेविंग्स है वो भी नहीं हो पाती, तो वो अपने खर्चे अफोर्डेबल, मतलब अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। खर्चे अफोर्ड ना करने की वजह से उनके आगे डिफिकल्टीज आती हैं जीने में, सर्वाइव करने में उन्हें बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब है कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और बहुत से लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो इसको इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी कहते हैं। इट मीन्स व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अनइक्वल, देन सम पीपल हैव ए लॉट ऑफ इनकम, कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा इनकम है, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, इनकम है, वेल्थ और प्रॉपर्टी है, व्हाइल सम पीपल हैव लैक ऑफ वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी, एज ए रिजल्ट रिच पीपल बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी एंड पुअर पीपल आर गेटिंग ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कुछ लोग जो अमीर हैं वो तो अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो गरीबी के दुष्चक्र में ट्रैप होते जा रहे हैं, दुष्चक्र में फंसते चले जा रहे हैं, यानी गरीबी में ऐसा फंसते जा रहे हैं कि वो निकल ही नहीं पाते बेचारे। छठा पॉइंट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन वेरी स्लो, हमारी इंडिया की इकोनॉमी में जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, वेरी स्लो, बिकॉज फ्रॉम द ईयर पिछले 1951 से सन 2000 के बीच में देयर हैज बीन एन एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 4% पर ईयर, 1951 से सन 2000 तक इतने सालों तक 4% ईयरली एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ये इतनी स्लो ग्रोथ है, जबकि चाइना और अमेरिका ने 51 से 2000 के बीच में बहुत फास्ट रैपिड ग्रोथ की है, विच शोज दैट देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉवर्टी अवेलेबल इन इंडिया। इस ग्रोथ की स्पीड को देख करके लगता है कि इंडिया बहुत ही ज्यादा गरीब है और इसके अंदर गरीबी बहुत तगड़ी बनी हुई है। सेवन पॉइंट है ओल्ड सोशल ट्रेडिशंस, पुरानी परंपराएं, पुराने जो रीति रिवाज हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, उनकी वजह से भी इंडिया गरीब है, जैसे ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर प्रीवेलेंट इन इंडिया, पुरानी कल्चर, पुरानी सभ्यता, पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं, जैसे सच एज रिलीजन, जैसे धर्म, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड रूल ऑफ सक्सेशन। रूल ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है कि पिता के बाद पुत्र को संपत्ति मिलेगी और पुत्र के बाद उसके पुत्र को मिलेगी, इसे बोलते हैं रूल ऑफ सक्सेशन, यानी पहले पिता मालिक था प्रॉपर्टी का, अब बेटा मालिक हो जाएगा प्रॉपर्टी का, तो जब बेटा प्रॉपर्टी का मालिक ही हो जाएगा तो बेटा काम ही नहीं करेगा, काम करने की उसे जरूरत ही नहीं है, तो काम करने की अगर उसे जरूरत नहीं होगी तो फिर हमारे देश को इसका नुकसान होगा, क्योंकि एक काम करने वाला घट जाएगा हमारे देश से, हमारे देश में जितने काम करने वाले होंगे, लेबर फोर्स होगी, उतना ही हमारा देश रैपिड ग्रो करेगा, तो हमारा देश ग्रो नहीं कर पाएगा इस वजह से। बहुत से अमीर लोग हैं, उन्हें पैतृक संपत्ति मिली हुई है तो वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, तो काम ना करने की वजह से देश को नुकसान है, देश का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है इस वजह से, तो इन वजह से भी देश गरीब बना हुआ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम पॉवर्टी, व्हाट सजेशंस वुड यू ऑफर टू ओवरकम पॉवर्टी, तुम पॉवर्टी को दूर करने के क्या सुझाव बता सकते हो अपने दिमाग से, तो हम बता सकते हैं ये चार, क्वेश्चन नंबर 9 का, फॉलोइंग सजेशंस हैव बीन प्रेजेंटेड टू ओवरकम पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। नंबर 1 प्राइस स्टेबिलिटी, सबसे पहले जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ना उन्हें रोकना चाहिए, उसे बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। इन ऑर्डर टू रिमूव पॉवर्टी
it is necessary to stop rising prices because the living standard of people will improve through the presently receiving income to the people. जो लोगों को लोगों के पास जो इनकम आ रही है ना उसी इनकम से उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सकता है अगर आप बढ़ती हुई कीमतों को रोक दो तो या बढ़ती हुई कीमतों पे कंट्रोल कर लो तो क्योंकि अगर कीमतें कम होने लगेंगी तो इंसान के पास जो इनकम है ना वही उसको ज्यादा लगने लगेगी उसी से वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकता है. सेकेंड पॉइंट है बाय रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. अगर आप पॉपुलेशन की बढ़ती हुई जो रेट है इसको कम कर सको या पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक सको तो भी फायदा हो सकता है हमारे देश को. जैसे पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली इन इंडियन इकोनॉमी. इफ ए ग्रोइंग पॉपुलेशन इज बैंड इन इंडिया द पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड. अगर पॉवर्टी को बढ़ने से आप रोक दो तो पॉवर्टी भी हमारे देश से हट सकती है. ड्यू टू द बैन ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बैन होने की वजह से अवेलेबल प्रोडक्शन एंड फैसिलिटी विल बी सफिशियंट फॉर द कंट्री. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वही हमारे लिए काफी हो जाएंगे. जैसे हमारे हॉस्पिटल जितने भी है ना वही हमारे लिए काफी हो जाएंगे, फिर हमें कम नहीं पड़ेंगे बेड हॉस्पिटल्स में और हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी डॉक्टर सही से कर पाएंगे. अभी डॉक्टर ना इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट इंसानों का सही नहीं कर पाते क्योंकि डॉक्टर बहुत कम है और बहुत सारे बीमार लोग हैं तो डॉक्टर किस किस को देखे. डॉक्टर का भी मूड खराब हो जाता है और डॉक्टर का भी ना मन नहीं होता उन्हें फिर देखने का. डॉक्टर भी एम्बेरस हो जाता है, सोचता है कि मैं किस किस को देखूं, तो वो परेशान हो जाता है. ना डॉक्टर खा पाता टाइम पे, ना पी पाता, ना सो पाता. इतने सारे लोगों की देखभाल के चक्कर में ना डॉक्टर की रेल बनी रहती है. तो नेक्स्ट है बाय रिमूविंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी अगर आप दूर कर दो तो उससे भी हमारे देश की गरीबी दूर हो सकती है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर क्लास इन इंडिया. देयरफॉर फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट should be provided to poor free of cost, then condition of the poor class will start improving. अगर आप अमीरों से कुछ पैसा लेकर के गरीबों के कल्याण पर, गरीबों के वेलफेयर पर कुछ पैसा खर्च कर दो, जैसे उनकी एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर, उनके हाउसिंग सिस्टम पर, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पर, तो गरीबों की कुछ सिचुएशन सुधर सकती है. फोर्थ है एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा करके अ मेजर टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया शुड ऑल्सो बी डन दैट इकोनॉमी शुड बी डेवलप्ड एट ए रैपिड पेस सो दैट द पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज. पॉवर्टी को खत्म करने के लिए एक उपाय यह भी है कि एक उपाय ये करना चाहिए कि हमारे देश की जो डेवलपमेंट करने की और ग्रो करने की जो रैपिड जो स्पीड है उसे रैपिड कर दो, उसे तेज कर दो, जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा और देश की नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी. क्वेश्चन नंबर टेन में लिखा है What program have been presented? What programs have been presented by the government of India to improve poverty? सरकार ने क्या किया है? सरकार ने ऐसे क्या प्रोग्राम बनाए हैं गरीबी को दूर करने के, वो बताइए. या what measure or steps have been taken by the government to alleviation poverty from the Indian economy? Indian economy से पॉवर्टी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय सुझाए हैं और क्या स्टेप्स उठाए हैं, ये आप बताइए. आंसर, टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफर्ड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स. सरकार ने ये कदम उठाए हैं गरीबी को दूर करने के. नंबर एक, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना.
ये एक योजना चलाई थी सरकार ने, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड 1 अप्रैल 1999। ये स्कीम सरकार ने 1 अप्रैल 1999 को बनाई थी। थ्रू दिस स्कीम अंडर द रूरल एरिया, इस स्कीम के तहत रूरल एरिया में लोन वर प्रोवाइडेड टू पुअर पीपल, गरीब किसानों को, गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड करने का वादा किया था। फॉर द बिजनेस लाइक फिशरीज, पोल्ट्रीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन, मुर्गी पालन और फिशरी यानी मछली पालन के लिए गरीब लोगों को या गरीब किसानों को लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। कौन सा बिजनेस? फिशरी का, पोल्ट्री का और एनिमल हस्बेंड्री का। एट ए लो एंड अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, और कम ब्याज रेट पर लोन देने का इसमें वादा किया गया था। सो दैट पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके फ्रॉम दीज बिजनेसेस, जो ये बिजनेस करेंगे ना फिशरी, पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री का, इन बिजनेसेस को करने से उन्हें रोजगार मिलेगा। अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड 75% एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड 25% मनी। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो 75% खर्चा करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 75% खर्चा करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 25% खर्चा करेगी, ये तय किया गया था। उसके बाद है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी एक योजना चलाई थी पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। इसमें क्या था, दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001, ये 2001 में ये स्कीम चालू की गई थी। अंडर दिस स्कीम पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, गरीब लोगों का जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए ये स्कीम सन 2001 में चलाई गई थी। थ्रू दिस स्कीम ए टारगेट हैज बीन सेट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू 100 नंबर ऑफ डेज, 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया था इसमें कि हम साल में आपको 100 दिन तो रोजगार देंगे ही देंगे। साल में पूरा साल अगर हम आपको रोजगार 365 दिन नहीं दे पाएंगे तो 100 दिन तो आपको देंगे ही देंगे हम रोजगार, ये इसमें वादा किया गया था। ऑन दिस प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड 87.5% एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड 12.5% मनी, और इस प्रोग्राम में स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 87.5% मनी का खर्च किया था, इस प्रोग्राम में जितनी भी मनी लगी उसका 87.5% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और बाकी 12.5% स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2001 आल्सो। अंडर दिस स्कीम बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटी लाइक प्राइमरी एजुकेशन, मेडिकल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड रोड डेवलपमेंट एक्सेट्रा वाज कैरिड आउट टू पीपल ऑफ रूरल एरिया, देयर हैज एन एफोर्ट being done to improve their living standard। इससे लोगों का जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए ये एक एफर्ट किया गया था सरकार के द्वारा। फोर्थ है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम, दिस स्कीम has been initiated in 1995। ये स्कीम 1995 में शुरू की गई थी। Through which educated unemployed people are provided loan at cheap rates। Next page पर आइए, come to the page number 22। इस स्कीम के तहत जो पढ़े लिखे लोग थे ना उनको सस्ती ब्याज दर पर सरकार ने कहा लोन दिया जाएगा आपको, ताकि आप अपने लिए कोई व्यवसाय, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकें और अपने आप को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकें, इससे आप बेरोजगार नहीं रहोगे।
This scheme has been initiated in 1995 through which educated unemployed people are provided loan at cheap rates so that they can get self-employment by getting up their own businesses. अपना by setting up their own businesses, अपने business को set करके, छोटे मोटे business को करके, जैसे छोटे मोटे परचून की दुकान खोल लेंगे या फोटो सेट की मशीन लगा लेंगे, एसटीडी लगा लेंगे दुकान में, इस तरह का काम करके आप अपने आप को बेरोजगार ना रख के अपने आप को रोजगार दे सकते हो। पांचवा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। दिस प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। ये वाला प्रोग्राम 2005 में चलाया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम The poor family member are guaranteed to provide employment for 100 days in a year and by the government construction work. इस स्कीम में भी 100 दिन का काम देने का वादा किया था गवर्नमेंट ने, और इसमें ना सरकार ने रोड बनाने का, घर बनाने का, पंचायत बनाने का फैसला किया था, और रोड बनाने में, घर बनाने में, इमारतें बनाने में लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जो लोग इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में अगर काम करेंगे, जैसे घर बन रहा है, रोड बन रहे, तो रोड बनने में मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे लोगों को मजदूरी करने का मौका मिलेगा, तो इसमें ये काम किया गया था। दिस प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस इन 2005। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम द पुअर फैमिली मेंबर आर गारंटीड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज इन अ ईयर एंड बाय द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क सच एज रोड कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन, पंचायत घर कंस्ट्रक्शन आर स्टार्टेड इन रूरल एरियाज एंड दोज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच अराइज इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आर प्रोवाइडेड टू पुअर अनएम्प्लॉयड पीपल। इस कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो गरीब लोगों को यहाँ पर काम भी मजदूरी का दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 11। What is the minimum calorie prescribed for poverty in urban and rural areas? 2400 calorie per day per person in rural areas and 2100 calorie per day per person have been prescribed by the Planning Commission of India. ये important question था। अब ये chapter मेरे हिसाब से खत्म हो गया। जो important questions थे वो मैंने अपने according explain कर दिए हैं। अब आगे पढ़ाऊं या फिर आज के लिए इतना ही काफी, आप इसको